एबीपीएस न्यूज़। एबीपीएस न्यूज़ टीम का अगला पड़ाव जनपद मुरादाबाद के ब्लॉक भगतपुर टांडा के पिपली गांव में जा पहुंचा। लगभग 1900 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वर्तमान में गांव के प्रधान सरताज हुसैन है। गाँव में कुल वोटरों की संख्या 1250 है तो वही राशन कार्ड धारकों की संख्या 324 है। गांव में 9 विधवा पेंशन लाभार्थी हैं, 42 वृद्धा पेंशन लाभार्थी हैं, वही 13 विकलांग पेंशन लाभार्थी भी हैं। अगर हम गांव के विकास की बात करें तो ग्राम प्रधान ने ग्राम निधि से गांव में 26 हैंडपंप, 105 बिजली पोल तथा 3 बिजली ट्रांसफार्मर लगवाए हैं। इसी के साथ ग्राम प्रधान ने गांव में ग्राम निधि से शौचालय, सीसी टाइल्स रोड का निर्माण करवाया है। ग्राम प्रधान का कहना है कि सभी ग्रामवासी परिवार की भांति रहते हैं। ग्रामवासियों का कहना है कि हमारा गांव शांति प्रिय है और ग्राम प्रधान हमेशा ग्रामवासियों एवं गांव के सभी कार्यों को करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मैं ग्राम प्रधान पीरपुर फतेहपुर ब्लॉक भगतपुर टांडा तहसील में जिला मुरादाबाद का ग्राम प्रधान चुना गया हूँ। मुझे जनता ने बड़ी आशाओं और उम्मीद के साथ चुना है ताकि मैं गरीबों की देखभाल कर सकूं, लेकिन उसी हिसाब से मुझे पैसा नहीं मिल पा रहा है। लोगों को पानी की बहुत बड़ी समस्या है। नाले के लिए मुझे 1500 मीटर नाला दोनों गांव, जो मेरे गांव में 3 गांव पड़ते हैं, बहादुरपुर पट्टी, बीरपुर फतेहपुर और चकलोहर्रा और बीरपुर फतेहपुर में नाले की बहुत बड़ी समस्या है, पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। मुझे इन दोनों गांव के लिए 1500 मीटर नाला चाहिए ताकि लोगों का पानी जो घरों में यूज होता है वो नालियों में होकर के नदी या तालाब में पहुंच सके। उसमें मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं, आवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी पंचायत के लिए 1500 मीटर नाले के लिए पैसा स्वीकृति करने की कृपा करें। और सरकार से जो गरीब लोग हैं, जो आवास, जो बेचारे बेघर हैं, जिनके घरों पर छत नहीं है, कच्ची छतें हैं, झोंपड़ी झुग्गी झोंपड़ियों में रह रहे हैं, उनके लिए आवास स्वीकृति करें और जो है सरकार उनका आवास का स्वीकृत पैसा स्वीकृति करके जल्द से जल्द उन लोगों के आवास बनवाने के लिए हमें जो है आवासों की मंजूरी दे दी जाए हमारी ग्राम पंचायत के लिए। नाली खंज टैल्स के लिए, रास्तों के लिए पैसे की दिक्कत आ रही है, पैसा पूरा नहीं मिल पा रहा है। जो पैसा हमारे पास आया हमने जो है स्कूल की मरम्मत में, शौचालय में बनवाने में लगवा दिया है। बाकी जो पैसा सरकार ने दिया था उसे हमने टैल्स लगवा दिए हैं, रास्ते बनवा दिए हैं, नालियाँ बनवा दी हैं, पुलियाँ बनवा दी हैं, शौचालय बनवा दिए हैं। शौचालय का काम अभी चल भी रहा है। बस मेरा ये अनुरोध है कि सरकार जब नगर पालिका के लिए इतना पैसा देती है, जो महापौर बने हैं उनके लिए इतना पैसा देती है, जो महानगर है उनके लिए पैसा देती है, तो ग्राम पंचायत में 75% आबादी देश की रहती है, शहरों में 25% रहती है, तो ग्राम पंचायत के लिए इतना कम पैसा क्यों और शहरों के लिए इतना ज़्यादा पैसा क्यों? क्या यहाँ गांव में आदमी नहीं रहते? क्या शहर में ही आदमी रहते हैं? क्या शहर में ही आदमी शिक्षा को, जो शहर के बच्चे हैं वही शिक्षा पा सकते हैं, गांव के नहीं पा सकते बढ़िया स्कूलों में शिक्षा? क्या शहर का ही आदमी सरकारी अस्पताल का फायदा उठा सकता है या गाँव का आदमी लाभ नहीं उठा सकता? मेरी ग्राम पंचायत में एक भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं बना है, एक भी अभी जो है आंगनबाड़ी केंद्र जो है एक ही गाँव में बीरपुर फतेहपुर में बना है। अभी 2 गांव मेरे वंचित हैं आंगनवाड़ी केंद्र से, उनके लिए पैसा क्यों नहीं दे रही है सरकार? दूसरा सबसे बड़ी समस्या ग्राम जो पंचायत घर है अभी तक मेरी पंचायत के लिए नहीं दिया गया, क्यों नहीं दिया गया? शहरों में बढ़िया स्कूल, बढ़िया जो है क्या नाम लेते हैं स्वास्थ्य केंद्र दिए हैं नगर पालिकाओं के लिए, गांव के लोग जो 75% सबसे ज़्यादा आबादी रहती है वहाँ के लिए पैसा नहीं है, और जहाँ 25% लोग रहते हैं उनके लिए जो सब कुछ पूरी फैसिलिटी है, ऐसा क्यों इस देश में अन्याय हो रहा है? गांव वासियों के लिए साथ अन्याय हो रहा है, सरकार घोर अन्याय कर रही है। बढ़िया आदमी है हमारे, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, पूरी पंचायत में बहुत खरंजे नाली उली सब बना रहे हैं।